जालौन में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने दो बाइकों को टक्कर मार दी, जिसमें से एक बाइक पर सवार तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दूसरी बाइक पर सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए। टक्कर मारने के बाद चालक मौके से फरार हो गया। इसकी जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर देखा। ये घटना कदोरा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां पर हमीरपुर जनपद राठ के रहने वाले एक ही परिवार के तीन लोग, भाई बहन और पिता, बाइक से जा रहे थे और इन्हीं की मौत हुई है। एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत होने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने आगे की कार्रवाई को अंजाम देते हुए शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की तफ्तीश में जुट गई है। घायलों का तो उपचार कराया जा रहा है। घायलों को उपचार कराया जा रहा है। मृतक लोगों की परिजनों ने, ग्रामीणों ने जाम लगाया। क्या मांग थी इनकी? अब क्या जाम खुल गया है? परिजनों ग्रामीणों को मांग थी कि उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, तो उनके एफ आई आर जैसे प्राप्त होती है, अधिक कार्रवाई की जाए। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है कदौरा थाना क्षेत्र में, जब चतेला और पथरेटा के बीच हमीरपुर राठ से आने वाली, कदौरा की ओर आने वाली एक खाली ट्रक ने आमने सामने की टक्कर मारी है एक मोटरसाइकिल सवार को, जिसमें तीन लोग सवार थे एक ही परिवार के, और दुर्भाग्य से तीनों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई है। इसके अलावा जो अनबैलेंस ट्रक थी, उसने दो लोगों को और टक्कर मारी है जो गंभीर रूप से घायल हैं, उनका इलाज हो रहा है। ऐसी घटनाएँ बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण हैं और इस पर नियंत्रण किया जाएगा। जो खाली ट्रकें हैं या भरी ट्रकें हैं, वो नियंत्रित स्पीड से ही चलें। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो दोपहिया वाहन चालक हैं, उन्हें भी सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना चाहिए, हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए, तीन सवारी प्रयास करें कि न चलना पड़े, क्योंकि फिर मोटरसाइकिल जो सवारी है उसके वजन के कारण अनियंत्रित हो जाती है और थोड़ी सी भी असावधानी अगर। जालौन से ये थी अमजद खान की रिपोर्ट।